अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान खदीजा ताज और आप देख रहे हैं एनए डिस्ट्रिक्ट। डेरा गाजी खां में 9 साल बच्चे से ज्यादती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। इलाका थाना रेतड़ा के नवाही इलाके कस्बा नाड़ी में एक बच्चे से जिंसी ज्यादती। एएसपी कायनात अजहर खान की तश्कील करदा टीम एसएचओ थाना रेतड़ा की जेर निगरानी स्पेशल टीम ने इंतहाई कलील वक्त में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कस्बा नाड़ी के इलाका में 9 साल बच्चे से मुलजिम नजीबुर रहमान कौम लशाड़ी सकना बस्ती खबर ने बदफेली कर डाली, जिस पर बच्चे ने शोर मचाया तो मुलजिम भाग गया। डीपीओ डेरा गाजी खां मोहम्मद अली वसीम ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए एएसपी सर्कल तोमसा को टास्क दिया, जिस पर एएसपी कायनात अजहर खान साहिबा की तश्कील करदा टीम एसएचओ थाना रेतड़ा की जेर निगरानी स्पेशल टीम ने इंतहाई कलील वक्त में जिंसी हवस का निशाना बनाने वाले मुलजिम नजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया। जामिया मस्जिदुल जबैदा में 27 रमजान मुबारक के मुनासबत से पुरवकार प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में मुअज्जिज़ीन इलाका सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत, कुरान पाक मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश की। हाफिज़ अली रज़ा और इमाम मस्जिद मोहम्मद नवाज चिश्ती को फूलों के हार पहनाए गए। मज़ीद देखिए अपने नुमाइंदा मोहम्मद अज़र मुश्ताक की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, जामे मस्जिद जुबैदा में 27 रमजान मुबारक, जिसको लैलतुल कदर की रात भी कहा गया, इस पुरवकार प्रोग्राम का इनाकाद किया गया। अहले इलाका की जानिब से जामे मस्जिद जुबैदा की इंतजामिया को कुरान पाक मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश की गई। इस पुरवकार प्रोग्राम में मजीने इलाका ताजर बरादरी और बच्चों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत को यकीनी बनाया। रमजान मुबारक का मुकदस महीना हमें सब्र तहम्मुल और बर्दाश्त का सबक देता है। इस मौके पर इमाम मस्जिद जुबैदा मोहम्मद नवाज चिश्ती का बयान करते हुए कहना था, माह सयाम रहमत मगफरत और नाजिद जहन्नम से आज़ादी का महीना है। ये माह रमजान हमारे अंदर खुबते भाईचारा और अफूद दरगुजर के एहसास भी पैदा करता है, और हमें चाहिए कि अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की रोशनी में अपनी माशरती जिंदगी में अमन और भाईचारे की फजा को फरोग दें और इख्तलाफात को खत्म करें। मजीद उनका कहना था, माह रमजान में हमें अपनी जिंदगी को अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के ताबे करना होगा और शर से बचना होगा। बिलाशुबा शर जुल्म अजीम है और अल्लाह की नाराजगी का बाइस भी बनता है। कैमरा टीम कैमरा मोहम्मद अज़र मुश्ताक, एनए न्यूज़ लाहौर। जामिया मस्जिद नक्शबंदी में अफ्तार डिनर। जिले निगरानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन मेहर शहबाज चांदी, मोहम्मद लतीफ, मलक अख्तर और दीगर दोस्त अहबाब के तावन से जारी है। रमजान मुबारक का मुकदस महीना हमें सब्र तहम्मुल और बर्दाश्त का सबक देता है। मजीद देखिए हमारे नुमाइंदा मोहम्मद अज़र मुश्ताक की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, जामे मस्जिद नक्शबंदी मदीना कलोनी यकम रमजान मुबारक से अफ्तार डिनर का प्रोग्राम जारी और सारी है। अफ्तार डिनर जामे मस्जिद के सदर राना मोहम्मद वकास, निशान मलिक, बाबर असलम, उस्मान आजम, अनायत सप्रा समेत इंतजामिया ने ऐसे तरीके से निभाए। अफ्तार डिनर जिले निगरानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन मेहर शहबाज चांदी, मोहम्मद लतीफ, मलक अख्तर और दीगर दोस्त अहबाब के तआवुन से जारी है। रमजान मुबारक का मुकदस महीना में सब्र तहम्मुल और बर्दाश्त का सबक देता है। इस मौके पर इमाम मस्जिद नक्शबंदी कारी जमील का गुफ्तगू करते हुए कहना था, माह सयाम में हमें एहसास वादारी और दरगुजर का दर्स देता है। बेहतरीन तबलीग वो है जो हमारे हुस्ने अमल से साबित हो। हमें करदार और गुफ्तार में इतदाल लाना होगा। इबादत अल्लाह की और अतात रसूल सल्लम की। माह रमजान में हमें बिलखसूस गुरबा और मसाकीन का भी ख्याल रखना चाहिए। मजीद उनका कहना था, माह रमजान में हमें अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल सल्लम के अहकाम के ताबे करना होगा और शर से बचना होगा। बिलाशुबा शर जुल्म अजीम है और अल्लाह की नाराजगी का बाइस भी बना है। राना वकास का इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहना था, रमजान मुबारक में हमें खसूसी तौर पर गुरबा और मसाकीन का ख्याल रखना चाहिए ताकि वो भी ईद उल फितर की खुशियों में हमारे साथ शरीक हो सकें। कैमरा टीम कैमरा मोहम्मद अज़र मुश्ताक, एनए न्यूज़ लाहौर।